तो अगर आपको याद हो कि जब हर दूसरे स्मार्टफोन में नॉच आनी स्टार्ट हो गई थी, तब वीवो ने अपना एक ऐसा कॉन्सेप्ट फ़ोन निकाला था जो बगैर किसी नॉच के था। और रिसेंटली हांगकांग में हुए एक इवेंट में वीवो हमारे लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट फ़ोन लेकर आया है जो कि सबसे हटकर है। इस फ़ोन में कोई होल्स नहीं है और ना ही कोई बटन है। जी हाँ, ये है वीवो एपेक्स 2019। तो इससे पहले कि आप इस फ़ोन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाएं, मैं आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फ़ोन होगा, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। बट आने वाले टाइम में वीवो अपने इस डिज़ाइन और इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर लेकर आएगी अपने अपकमिंग फ़ोन्स के अंदर, और होपफुली उस फ़ोन का नाम होगा वीवो नेक्स। तो वीवो ने इस फ़ोन का डिज़ाइन एकदम सिंपल बनाया है, विदाउट एनी बटन्स और विदाउट एनी पोर्ट्स के। इट्स अ सिंगुलर पीस ऑफ ग्लास। अब ये बिलीव करते हैं कि एक फ़ोन के अंदर सिर्फ उसका डिस्प्ले ही है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन होनी चाहिए, इसीलिए ये बिना किसी फिजिकल बटन के आता है और बिना किसी फ्रेम के आता है, ना ही इसके अंदर कोई पोर्ट्स हैं। ये सिर्फ एक ग्लास का पीस है जो कि मोल्ड करके बनाया गया है। तो वीवो इस अप्रोच को सुपर यूनिबॉडी बोलता है। अब इस सिंप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे देखें, इसके अंदर कोई हेडफोन जैक नहीं है, कोई सिम कार्ड ट्रे नहीं डलती, बिना स्पीकर ग्रिल्स के और बिना यूएसबी टाइप सी पोर्ट के ये फ़ोन बिल्कुल सिंपल होगा। इसमें हमें तीन कलर्स देखने को मिले हैं, कॉज वाइट, मीटर ग्रे और टाइटन सिल्वर। अब थोड़ी ऑकवर्ड बात इसमें ये है कि ये फ़ोन बिना किसी सेल्फी कैमरा के आता है, शायद इसलिए क्योंकि ये अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फ़ोन है। इसके जो बैक कैमराज है वो बॉडी के अंदर ही अलाइंड है और थोड़े से भी पॉपअप नहीं हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके अंदर कोई फिजिकल बटन नहीं है तो ये वर्क कैसे करेगा। एक्चुअली वीवो ने इसके साइड पर एक कैपेसिटिव टच और प्रेशर सेंसर का कॉम्बिनेशन लगाया है जिससे आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगी। इसे वीवो ने टच सेंस टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। नाउ व्हाट अबाउट द स्पीकर्स? वीवो ने इस फोन के अंदर एक स्क्रीन साउंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो इसके स्पीकर ग्रिल्स स्क्रीन के नीचे होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके साउंड में प्रॉब्लम होगी। एक्चुअल में इसके एक टेस्ट में वॉल्यूम काफी लाउड थी। तो आजकल हमें काफ़ी फोन्स में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ऑन स्क्रीन देखने को मिल रहा है। अब वीवो इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप फर्दर लेकर गई है। अभी तक हम फोन्स में सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्क्रीन पे टच करके उसे अनलॉक कर सकते थे, पर वीवो ने हमें इस फोन में एक फुल स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। इसका मतलब कि आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं पूरी स्क्रीन पर कहीं भी टच करके। तो अगर इस फोन में कोई पोर्ट नहीं है तो आप इसे चार्ज कैसे करेंगे? जी नहीं, इसके अंदर कोई वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसके अंदर एक मैग पोर्ट अवेलेबल है जो चार्ज तो वायर से ही होगा पर ये मैग्नेटिक होगी और आपके फ़ोन से अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। अब हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग क्यों नहीं है? तो वीवो ने कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना, बट प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर डेटा स्पीड्स बहुत ही कम होती है तो ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। तो अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। ये फ़ोन इतने एडवांस डिज़ाइन के साथ साथ टॉप की स्पेसिफिकेशंस भी हमारे लिए लेके आता है जो कि आजकल एक फ्लैगशिप में होनी चाहिए। एपेक्स 2019 वीवो का पहला 5G स्मार्टफोन होगा, पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन 855। इसके अंदर 12GB रैम होगी, 512GB स्टोरेज होगी और एंड्रॉयड पाई पे रन करेगा। और हाँ, एक और बात, इस फ़ोन के अंदर कोई सिम कार्ड ट्रे नहीं इंसर्ट होगी, ये रन करेगा ई सिम टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि आईफोन 10 के अंदर भी आती है। तो ये था एपेक्स 2019 हैंड्स ऑन वीडियो। अब आपके हिसाब से फ्यूचर में किस तरह के स्मार्टफोन्स आएंगे और उनका क्या डिज़ाइन होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन।